दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो सर आइजैक न्यूटन को शामिल किए बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। न्यूटन के नियम लगभग हर उस चीज से जुड़े हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। न्यूटन ने ही हमें सबसे पहले समझाया कि कोई भी चीज आखिर मूव कैसे करती है। साथ ही ग्रेविटी की खोज भी सबसे पहले न्यूटन ने ही किया था। अब यूं तो 17th सेंचुरी के इस साइंटिस्ट के बारे में अब तक बहुत कुछ देखा जा चुका है, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, न्यूटन एक अनपढ़ किसान के बेटे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में कैलकुलस का आविष्कार कर दिया था। वह कभी अपने पिता से नहीं मिल सके क्योंकि उनके पिता का देहांत उनका जन्म होने से 3 महीने पहले ही हो गया था। न्यूटन का जन्म साल 1642 में क्रिसमस के दिन इंग्लैंड के लिंकनशायर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म प्रेगनेंसी का समय पूरा होने से पहले ही एक प्रीमेच्योर बेबी के रूप में हो गया था, और बताया जाता है कि जन्म के समय उनके शरीर का साइज इतना छोटा था कि वे एक मग में भी फिट हो सकते थे। साथ ही दोस्तों, जन्म होने के बाद उनकी जान भी बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। दोस्तों, न्यूटन जब 3 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वे उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़कर पास के एक गांव में रहने चली गईं। दोस्तों, माँ का इस तरह छोड़कर चले जाना न्यूटन को काफी डरा दिया था। दोस्तों, न्यूटन बचपन से ही काफी क्यूरियस स्वभाव के थे और वह हर चीज के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि बचपन में खेलने कूदने से ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें मैकेनिक्स में था। ये सनडायल जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बना दिया था। दोस्तों, जब वह 12 साल के हुए तो उनका एडमिशन द किंग स्कूल नाम के एक स्कूल में करा दिया गया था। इस स्कूल की एक खिड़की पर न्यूटन का नाम आज भी लिखा हुआ देखा जा सकता है, जो कि दोस्तों उस समय खुद न्यूटन के द्वारा ही लिखा गया था। दोस्तों, जिस समय उनके सौतेले पिता की मौत हुई तब उनकी माँ न्यूटन की पढ़ाई छुड़वा कर उन्हें एक किसान बनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों न्यूटन को हमेशा ही इस चीज से नफरत था। सौभाग्य से स्कूल मास्टर ने उनकी माँ को मना लिया और उन्हें वापस क्लास में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति की। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1661 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और साल 1664 में जब तक उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल गई तब तक वे अपना खर्च चलाने के लिए एक नौकर के रूप में काम करते रहे। दोस्तों, कॉलेज में उनकी लाइफ दूसरे स्टूडेंट की तरह ही साधारण रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में हालातों ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और न्यूटन को एक महान वैज्ञानिक बनने में सबसे अहम किरदार इन्हीं हालातों का रहा था। दोस्तों, न्यूटन कहते थे कि प्लेटो मेरा दोस्त है, अरस्तु मेरा दोस्त है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त सच है, और उन्होंने साइंटिफिक मीडियम से सच को खोजने की कसम खाई थी। दरअसल हुआ ये कि साल 1665 में उनके कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के कुछ समय बाद ही यूरोप के अंदर ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैल गई थी, और इस महामारी की वजह से न्यूटन को अगले 2 साल अपने घर में ही रहकर बिताने पड़े थे। घर में बिताया गया समय उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि जो रिसर्च उन्होंने कॉलेज में शुरू की थी उसको घर में रहकर वे काफी कम समय में और ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर पाए थे। दुनिया को पहली बार न्यूटन ने ही बताया था कि व्हाइट लाइट और सूरज की रोशनी इंद्रधनुष के रंगों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इससे पहले अरस्तु का सिद्धांत था कि रोशनी केवल काले और सफेद रंग से बनी होती है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए न्यूटन ने दुनिया का पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था, जिसके अंदर लेंसेस की जगह मिरर्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, न्यूटन के घर के बाहर कुछ ही दूरी पर सेब का एक पेड़ था। जी हाँ, वही मशहूर सेब का पेड़ जिसके बारे में आपने भी बहुत बार सुना होगा। बताया जाता है कि एक दिन न्यूटन इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि तभी एक सेब डाली से टूटकर उनके सिर पर गिरा। इस सेब के गिरने से ही उन्हें पहली बार ग्रेविटी के होने का ख्याल आया था। इस घटना की वजह से ही उनके मन में ये सवाल आया कि क्या पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक भी पहुँच सकता है, और फिर इसी से उन्होंने ये तर्क दिया कि चांद अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही उसके चक्कर लगाता है। दोस्तों, न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी की मदद से अर्थ और सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों के मूवमेंट्स को भी समझा जा सकता है।
लेकिन उस समय की मैथमेटिक्स इतनी एडवांस नहीं थी कि उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को कैलकुलेट किया जा सके, और इसीलिए न्यूटन ने अपनी खुद की मैथमेटिक्स कैलकुलस को इन्वेंट किया था। हालांकि इसमें एक विवाद भी है कि कैलकुलस को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, क्योंकि साल 1684 में जब जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड लाइबनिज कैलकुलस पर पहली बार अपना पेपर पब्लिश किया, तब न्यूटन ने ये दावा किया कि वो ये काम 20 साल पहले ही कर चुके हैं। असल में दोस्तों, न्यूटन स्वभाव से ही काफी सीक्रेटिव थे। वे अपनी किसी भी काम या खोज को आसानी से पब्लिक नहीं करते थे। इसीलिए कैलकुलस को इन्वेंट करने का श्रेय आज न्यूटन और लाइबनिज दोनों को ही दिया जाता है। साल 1667 में जब महामारी खत्म हुई, तब न्यूटन वापस यूनिवर्सिटी लौट गए और वहां पर अपनी रिसर्च का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, न्यूटन को हमेशा काम करने की लत लगी रहती थी, और कभी कभी तो वो काम में इतना डूब जाते थे कि उन्हें खाना पीना तक याद नहीं रहता था। दो साल बाद सन 1669 में आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वो पद हासिल कर लिया जिसको दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोस्ट में से एक माना जाता है। दरअसल उन्हें लुकैसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के पद से सम्मानित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पद पर दुनिया के एक से बढ़कर एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिनमें स्टीफन हॉकिंग्स का नाम भी शामिल है। दोस्तों, न्यूटन दूसरे प्रोफेसर से बिल्कुल अलग थे। उन्हें काम का इतना ज्यादा शौक था कि अगर किसी दिन उनकी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं भी आता, तब भी वह खाली क्लासरूम में ही लेक्चर देना शुरू कर देते थे। दोस्तों, न्यूटन ने साल 1687 में मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी को पब्लिश किया था, जिसको दुनिया भर में प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपिया में ही उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और 3 लॉ ऑफ मोशन दुनिया को दिए थे। यूं तो न्यूटन को दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है, लेकिन असल में उन्होंने अपने जीवन में विज्ञान से कहीं ज्यादा धर्म और ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है। दरअसल न्यूटन का ये मानना था कि ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अंदर दुनिया के रहस्य को समझने का कोड छिपा हुआ है, और उनका ये कहना था कि बाइबल को ध्यान से पढ़कर आने वाले भविष्य का पता लगाया जा सकता है। बाइबल को पढ़कर उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि साल 2060 से पहले दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वो मानते थे कि ईसा मसीह एक बार फिर दुनिया में आएंगे और दुनिया से बुराई को खत्म कर देंगे। दोस्तों, साल 1936 तक न्यूटन के इस रिलीजियस साइट से आम दुनिया पूरी तरह अनजान थी, और दुनिया को इसके बारे में पहली बार पता तब चला जब 1936 में उनके द्वारा लिखी गई उन थियोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट यानी धर्म शास्त्रों को नीलाम किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन ने धर्म के बारे में अपने हाथ से कुल 7500 पेज लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक चीज ऐसी भी थी जिसको न्यूटन ने पूरी जिंदगी दुनिया से छिपाए रखा। दरअसल वह गुप्त रूप से 25 साल तक अल्केमी को स्टडी करते रहे थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अल्केमी प्राचीन समय के उस रसायन विज्ञान को कहते हैं जिसमें साधारण धातु को सोने में बदलने और अमृत बनाने के प्रयास किए जाते थे। इस विषय में न्यूटन के लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वे उस फिलोसफर्स स्टोन को बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसका जिक्र पौराणिक व काल्पनिक कथाओं में किया जाता है। इन कहानियों में बताया जाता है कि इस पत्थर को पाने वाला व्यक्ति अमरता को हासिल कर सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर देख रखी है वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों, साल 1696 में कैम्ब्रिज से अपना 30 साल का करियर समाप्त करके न्यूटन लंदन चले गए थे ताकि वहां पर वह रॉयल मिंट को चलाने में सरकार की मदद कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिंट उस जगह को कहते हैं जहां पर मुद्रा के सिक्के बनाए जाते हैं। दरअसल उन दिनों इंग्लैंड के कुछ लोग सिक्कों के किनारों को काट कर उनसे नए सिक्के बनाने लगे थे, और उनके ऐसा करने की वजह से सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। न्यूटन ने वहां जाकर अपनी साइंस का इस्तेमाल करके वाइन बनाने के तरीकों में कुछ बदलाव कराए, और साथ ही उन लोगों को भी पकड़वाया जो ये अपराध कर रहे थे। साल 1705 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एन के द्वारा न्यूटन को उनके असाधारण कार्यों के लिए नाइट का टाइटल दिया गया था, और दोस्तों इस तरह वह आइजैक न्यूटन से सर आइजैक न्यूटन बने थे। 20 मार्च 1727 के दिन न्यूटन का अपने बिस्तर पर सोते हुए नींद में ही निधन हो गया था। अपने काम और विज्ञान की खातिर उन्होंने अपने सभी शौक व खुशियों का बलिदान दे दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने पूरी जिंदगी कभी शादी भी नहीं की थी। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विज्ञान का जो योगदान उन्होंने दुनिया को दिया
उसके लिए उन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।